का ले लिया, अब आपका चाहिए ना। मैं ले लूंगा, आप बताइए ना। नहीं आप बताइए। अरे मैंने उनको जानना चाह रहा हूँ मैं ये। अरे भैया मैं आपका व्यूज जानना चाह रहा हूँ ना, आप बता दीजिए। पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं उनसे सवाल मत। मैं तो अपनी ऑफिस से आया हूँ। बिल्कुल आपका। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक सवाल, एक सवाल जी। आप यहाँ बहुत देर से सुन रहे थे, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हुआ जेएनयू पे उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं ये बताइए हम आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में और जेएनयू ही क्यों कर रहा है प्रोटेस्ट, क्यों कर रहा है, कितनी रुपए फीस है वहाँ पे? 10 रुपए। आपको पता है यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र आए। नहीं समझ गया मैं। हाँ। आप जो कहना चाह रहे हैं कितनी फीस है वहाँ पे, उनसे मत पूछे, मैं तो आपका व्यूज ले। अरे भाई मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट तो ये कर रहे हैं ना, 10 दिन से दिल्ली को कैप्चर कर रखा है इन्होंने। हाँ ठीक है। क्यों कर रखे कैप्चर यार, मैं जानना चाह रहा हूँ सर। अरे भाई मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप जॉब करते हैं? मैं तो सुबह अपने ऑफिस से घर से निकलता हूँ, ऑफिस से अपना काम करके घर चला जाता हूँ। प्रोटेस्ट मैं इनसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली को क्यों जाम कर रहा है? अरे इनसे तो छोड़ो, मैं आपका वाइट ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट क्या किसी का मौलिक अधिकार नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ सुनिए। नहीं आप बताइए। मैं अपने घर से उठता हूँ सुबह, अपने जॉब करता हूँ। हाँ। जो मेरा एक एक इंडिविजुअल जो राइट है वो करके निकल जाता हूँ। हाँ। मैं इन्होंने पूरी दिल्ली को कैप्चर कर रखा है, क्यों कर रखा है मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरा नहीं, मेरा मानना आपसे, आपका जेएनयू मसले पर क्या विचार है वो मैं आपका चाहता हूँ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं ये। हाँ जेएनयू वालों से पूछना चाहते हैं, ये नहीं, जेएनयू वालों से क्यों आप? तो ये जेएनयू वाले यही तो है। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या राय देते हो, आप चाहते हो ये जो है प्रदर्शन गलत है, जेएनयू वाले गलत है? अगर फीस अगर बढ़ी हुई है, किस चीज़ की फीस बढ़ी हुई है? हॉस्टल की फीस बढ़ी हुई है, मेस की फीस बढ़ी हुई है, किस चीज़ की फीस बढ़ी हुई है जी? और ये सबसे ज़्यादा मैंने जितने भी न्यूज़ देखा है, चाहे किसी भी रोड पे देखा है, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट मैंने ना जेएनयू में देखा है। इनके अलावा भी आईआईटी स्टूडेंट वो मैं कह रहा हूँ कि आप तथ्य वाली बात। मैं बताता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये सब कहते हैं भाई जेएनयू से ना वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट निकलते हैं जी। अभी 2006 से लेके 2019 तक जो सुब्रत राय थे तो पुराने बंदे थे यार, तो अब क्या निकला वहाँ से जेएनयू से? निर्मला सीतारमण कौन है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ पुराने बंदे हैं, पुराने बंदे 2000 से लेके 2019 तक कितने बंदे निकल गए वहाँ से, आप जो बहुत जबरदस्त डिग्री वाले बंदे हैं। आप एक चीज बताइए, एक चीज जिस मामले पे है, जिस मामले पे उछला है कि फीस वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये बताइए। फीस वृद्धि होनी चाहिए, सब ये सब नहीं, फीस नहीं होनी चाहिए, फीस वृद्धि नहीं, सब 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 ये बोल रहे हैं। अब मैं बाहर की किसी यूरोपियन कंट्री पे मैं वो कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ से हमें हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 20 रुपये किसको मिलने चाहिए? जो 7000 से नीचे उनको मिलने चाहिए या जो 50000 से नीचे उनको मिलने चाहिए? तो क्या सारे के सारे 40% 7000 वाले हैं वहाँ? नहीं है, नहीं है। यानी कि आप जो अब जिसको मिलना है ना वो 7000 से नीचे वाले को दीजिए। अब ये बताइए 20 रुपये वाले बंदे लग रहे हैं आपको कहीं से? ये हेयरबैंड भी ना 15 रुपये का हेयरबैंड पहना हुआ इन्होंने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप पर्सनली क्यों उठा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जेएनयू की, ये अकेले यही बता रहा हूँ मैं। हाँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको, लग रहा है जो 40% की बात कर रहे हैं वो 40% वो 7000 से नीचे वाले, आप इतने गुस्से में क्यों है ये पहले बताइए। मैं कह रहा हूँ ये दिल्ली को क्यों जाम किया हुआ है यार? दिल्ली को जाम किया हुआ है तो कि ये तो सरकार से पूछिए ना, आप सरकार को पूछना चाहिए। मुझे बताइए ये पढ़ने आए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया? नहीं नहीं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया? मुझे एक बात बताइए, आप बताइए। हाँ ठीक है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया? आप अभी प्राइम मिनिस्टर के अब उसके आसपास ऑफिस के पास आप इतने बंदों को लेके जाएंगे और वहाँ से कोई टेररिस्ट को हैंड ग्रेनेड लेके जाता है? छात्र सड़क पर है तो कोई गई ना, गई ना लेके सबको गई ना, अगर कोई बीच में कोई उसमें कोई अटैक कर दिया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो कह तो रहा हूँ कि सरकार वहाँ पे लाठीचार्ज सरकार ने कराया ना, वहाँ पे आपकी स्टूडेंट यूनियन है वहाँ पे दिखता है वहाँ पे, तो वो अपने बंदों को ले जाए। सारे स्टूडेंट का पढ़ाई क्यों खराब कर रहे हैं यार वो? तो सारे स्टूडेंट क्या वो उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं? आप तो ऐसी बात उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ यही गैंग चल रहा है यार, यही गैंग है सारा। कैसा गैंग है? कैसा गैंग है? जो अब्दुल गुरु की वो बरसी मनाते हैं वो गैंग ही है ये सारा। मैं ये नहीं कह रहा, आप किसी ऑटो वाले से पूछे जेएनयू में क्या हो रहा है। जेएनयू में सारे अब्दुल गुरु की बरसी मनाते हैं। सुनिए अब मैं यहाँ इस ऑटो वाले को पूछे जेएनयू में क्या हो रहा है। नहीं ऑटो वाले से क्या, आप पढ़े लिखे लोग हैं। अरे मैं कह रहा हूँ आप बताइए ना जेएनयू में क्या हो रहा है, जेएनयू में क्या हो रहा है? तो जेएनयू में अच्छी बातें क्यों नहीं होती कुछ? क्या हो रहा है? की मूर्ति तोड़ देते हैं वहाँ, क्यों नहीं देते उस पे? विवेकानंद की मूर्ति तोड़ी गई थी वो आपको पता है? विवेकानंद की मूर्ति थी कौन? चाहे नहीं थी कौन, लिखा था भगवा जलेगा वहाँ, क्यों जलेगा आपको? वो ये नहीं कहते पाकिस्तान झंडा जलेगा, जो भगवा जलेगा ये कौन बताया आपको, कौन भड़काया है? न्यूज में आ रहा है सब कुछ? कौन सी न्यूज में आ रहा है? सारी न्यूज में आ रहा है, कोई भी न्यूज खोल के देख लो आप। कौन सी न्यूज? कोई भी न्यूज खोल के देख लो। कौन सी न्यूज? अब ये बताइए आपकी स्टूडेंट यूनियन है वहाँ? मैं बता रहा हूँ आपने कौन सी न्यूज देखी है। मैं कह रहा हूँ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है,
वहाँ दो तीन न्यूज़ एबीपी है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो उस पे बात कीजिए, कौन सी न्यूज से आपको जानकारी मिली है? बहुत सारी न्यूज़ में ही आ रहा है, सब सारी न्यूज़ में ही आ रहा है। एक न्यूज का नाम बताइए। सारी चीज में आ रहा है, एनडीटीवी पे आ रहा है, वहाँ पे एनडीटीवी क्या आया, एबीपी न्यूज भी आ रहा है, एनडीटीवी क्या आया, भगवा रंग जो है जलेगा ये दिखाया, लिखा हुआ बोल रहे हैं वहाँ पे, अब वो नारे लगा रहे हैं सबके, अच्छा भारतीय टुकड़े इंशाल्लाह। और सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, वहाँ के छात्र गुंडा है, कुछ भी नहीं कह रहे सुधीर चौधरी, तो वहाँ पे छात्र गुंडा नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे वहाँ पे, यानी कि सुधीर चौधरी सही है वहाँ के? हाँ बिल्कुल सही है वो, एकदम वो सही बात दिखाते हैं एकदम, वो किसी की वो करते ही नहीं है वो, आओ क्यों लगा सुधीर चौधरी। आखिर वहाँ पे जेएनयू में भगा क्यों रहे हैं सुधीर चौधरी को, फिर कौन भगा रहा है जेएनयू, वो सच्चाई दिखा रहे इसलिए भगा रहे हैं वहाँ से। अच्छा मैं तो सुधीर चौधरी को जानता हूँ, जो ये गरीब आदमी घूम रहे से पूछ लो जेएनयू में क्या हो रहा है। अच्छा मोदी जी जो कर रहे हैं शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, ये आपको सही लगता है? कौन सा निजीकरण कर दिया तो बताइए ना, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करके जियो यूनिवर्सिटी जो खुल रही है, सारे जियो आपको ये जेएनयू दिखता है पूरी, उसमें उसके सामने आईआईटी दिल्ली है, जेएनयू डीयू, कितनी फीस बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है दिल्ली जो डीयू है ना उसमें 29,500 रुपए से, पता है डीयू में प्रदर्शन हो रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, नहीं बताइए, आपको पता है ये चीज किसने दिखाया, सुधीर चौधरी ने दिखाया कि डीयू में प्रदर्शन हो रहा है? मेरी बात तो सुनिए, कितनी फीस है डीयू में, बाकी जेएनयू छोड़ कितनी फीस होती है साल की टोटल फीस मिला के 29,500 होती है, इसको अगर पूरी बढ़ा भी 26,500 होती है तो कहाँ बढ़ाए, तो सारी चीज़ें जैसे करो। मैं कह रहा हूँ डीयू में, हाँ तो यही इसी की डिमांड हो रही है यहाँ पे, छात्र जो सड़क पर उतरे हैं, ये शिक्षा का सबको अधिकार है और सबके लिए शिक्षा की बात, फ्री शिक्षा, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, जब या तो सारे डीयू में बराबर वो करो डीयू, हाँ वही ये इसी की, जहाँ की सर सुधीर चौधरी ने क्या ये चीज दिखाई आपको? अरे सुधीर चौधरी ने क्या दे उसको छोड़ो, मुझे बताइए, नहीं सुधीर चौधरी को आप बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, गरीब की बात उठा रहे हैं, छात्र क्या गरीब नहीं है? सुनिए नहीं बताइए, डीयू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू के अलावा और भी यूनिवर्सिटी है, इसमें 29,500 रुपए फीस है, यहाँ पे इस बढ़ाने के बाद 26,500 हो जाएगी, तो और स्टूडेंट गरीब नहीं है, आईआईटी दिल्ली में 7वां नंबर है, इसका 16वां नंबर है जेएनयू का, डीयू में भी शिक्षा का विरोध हो रहा है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटियों में विरोध चल रहा है, कृषि विश्वविद्यालयों में विरोध चल रहा है, केवल जेएनयू का नहीं चल रहा है, ये जेएनयू जो टैग लगा है, पूरे डीयू के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, डीयू के बच्चे, डीयू के बच्चे भी हैं, उत्तराखंड के बच्चे आपने देखा है? वो जो कितने बच्चे हैं डीयू में, टोटल कितने हैं? आप डीयू में गए हैं? मैं तो हजार बार जा चुका हूँ वहाँ पे यार, गए ना, अगर डीयू का जो डीयू का आर्ट्स फैकल्टी जो है वहाँ पे हमेशा प्रदर्शन होता है, आपको पता है ये चीज? मुझे एक बात बताइए, प्रदर्शन होता है कि नहीं? छात्र अगर हक के लिए सड़क पर उतरे हैं तो क्या वह गलत है? बिल्कुल उतरना चाहिए, गलत है वो, से मिलेंगे ना, नहीं वो गलत है, अगर सुधीर चौधरी दिखा रहे हैं छात्र गुंडई कर रहे हैं, छात्र आप बताइए वहाँ गुंडई करने कर देंगे, छात्र गुंडई करने दिल्ली को जाम कर देंगे क्या? तो छात्र ने बोला जाम करने के लिए, सुधीर चौधरी कहने का अधिकार है, छात्र गुंडई कर रहे हैं, सुधीर चौधरी मैं क्या करूँगा? आपने कहा कि सुधीर चौधरी गरीब का मुद्दा दिखाते हैं, छात्रों को गुंडा बताने वाले सुधीर चौधरी को गरीब का आप मसीहा बताते हैं? दिल्ली को जाम करने किसने दिया स्टूडेंट, मुझे इसका चीज का जवाब दीजिए। पुलिस ने जाम करवाया और पुलिस ने ही लाठीचार्ज किया, किसने बोला रोड पे आने के लिए, वो भी पीएम पीएम ऑफिस के पास, क्या यहाँ अगर कोई टेररिस्ट मिल गया, क्या यहाँ पे छात्र का प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नहीं चलाया था? गांधी जी की बात आप ना करें तो ही अच्छा है, नहीं गांधी जी की बात ना करें तो ही अच्छा, क्यों आप गांधी जी कभी बैरिकेड पे चढ़ के ना उन्होंने वो नहीं किया, क्या वो पीस प्रोटेस्ट करते थे अपने पास जाके, वहाँ तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, आपको क्या दिखाया गया सुधीर चौधरी ने क्या दिखाया? अगर आप पीएम हाउस के पास चले जाएंगे इतने बच्चों को लेके, कोई टेररिस्ट आके उनको गोली मार गया, गांधी जी कभी जो है वहाँ पे क्या गाँव से ही सिर्फ करते थे आंदोलन, दिल्ली में नहीं हुआ उनका आंदोलन, आपको पता ही नहीं है? खूब हुआ है सर, खूब हुआ है, खूब हुआ है ना, खूब हुआ है, तो पर मुझे बताया दिल्ली को जाम करने का किसने, जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था वही चीज सेम दोहराई गई जेएनयू के छात्रों के साथ, आपकी पूरी स्टूडेंट विंग है वहाँ पे, आप जाके मिलिए पूरे स्टूडेंट को, क्यों ला रहे हैं यहाँ पे रोड पे? मैं ये कह रहा हूँ आज उस दिन जो लाठी चार्ज हुआ उस दिन जो लाठी चार्ज हुआ है वो गलत था, मैं 300 रुपए देके ना वहाँ से घूम के आया हूँ, मैं कह रहा हूँ आया हूँ मैं क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली जाम कर रखी है, मैं कह रहा हूँ ये चीज आपको भी, इसीलिए छात्रों का सहयोग करना चाहिए, छात्रों का सहयोग क्यों कर रहे हैं, छात्रों का सहयोग करना चाहिए, आपको ये गर्व होना चाहिए कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, हम उनका सहयोग करें, बिल्कुल करेंगे, अगर राइट चीज के लिए बिल्कुल करेंगे, राइट चीज नहीं लेकर थोड़ी आएंगे यार, सबको लेकर के नहीं आएंगे तो सरकार क्यों नहीं मान लेती, अगर सबको लेकर के आने क्या जरूरत है, अगर सरकार मान ले आईआईटी दिल्ली में 2 लाख रुपए उसकी उसके मांग क्यों नहीं उठा रहे आप, आईआईटी के लोग भी उठा रहे हैं, कहां है आईआईटी के लोग, आपको कहा है सुधीर चौधरी ने दिखाया, सुधीर चौधरी पीछे की बात, रवीश कुमार की बात क्यों नहीं कर रहे, मैं रवीश कुमार ने दिखाया आईआईटी के बारे में, लेकिन सुधीर चौधरी ने दिखाया, आप रवीश कुमार की बात करो फिर, हाँ तो रवीश कुमार की क्यों बात करें, हम रवीश कुमार की बात करो, इमेज बता रहे हो तो रवीश कुमार की बात करो फिर, जब सुधीर चौधरी, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, आप अंतिम कंक्लूजन ये है कि जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा हो क्या वह गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और दूसरी चीज लाठीचार्ज जो हुआ वहाँ पे पुलिस का वो गलत है, क्यों गलत है,
और क्यों सही है, गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने रोड जाम कर दिया था, और गलत किस लिए है क्योंकि वहाँ पे पीएम हाउस है, उनकी छात्रों की आड़ में कोई टेररिस्ट। तो ये देख रहे हैं जिस तरीके से आम लोग जो हैं वो अपने हित के लिए कि उनको जो है जाने के लिए दिल्ली में जाम हटे इसलिए सरकार से विरोध नहीं दर्ज कराएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि लाठीचार्ज जो हुआ है, जो तानाशाही जो रवैया है वो बहुत सही है, इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही जनता को लेकर के जिस तरीके से बात की जा रही है, यहाँ पर आपने देखा ये जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, और इस आंदोलन को इन्हीं जैसे कुछ लोग चुनिंदा लोग जो हैं ये दिखाते हैं कि जो है इस तरीके से कि ये जो है मामला जो है जेएनयू के छात्रों का, एक तरफ कहते हैं जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन सही है और एक तरफ कहते हैं जेएनयू के छात्र पिट रहे हैं वो सही है। क्या वो सही है? अगर वो सही है तो छात्र इनके जैसे लोगों जिसको गर्व करना चाहिए माता पिता को, वही जो है आज छात्रों के विरोध में खड़े हो रहे हैं। आखिर वो कौन से लोग हैं? जी न्यूज के सुधीर चौधरी जो दिखाते हैं छात्रों को गुंडा है, उनको बताया जाता है कि जो है छात्र जो है गलत कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों को जो है जरूर एक्सपोज करना चाहिए। इसी तरीके से फोरम फोर करता रहेगा और देखते रहिए फोरम फोर के साथ, बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन जयदीप के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।